अस्पताल ले जाए। गाड़ी पंचर हो गई, बाहर पैसा पाएगा। ओछा दे देगा, ओछा एक बार बचल है, एक बार बचल है, पैसा दे दे, बांधो जरा एक मिनट पहले। चलो हरदोई के प्रमुख समाजसेवी राजवर्धन राजू ने गुरुवार को दरियागिरी दिखाई। वह अपनी कार से घर जा रहे थे, रास्ते में उन्हें दो घायल व्यक्ति पड़े मिले। राजवर्धन ने अपनी कार में साथियों के साथ मिलकर घायल को गाड़ी में लिटाकर अस्पताल ले गए और उसे वहां भर्ती करवाया। मामला हरदोई कोतवाली के मन्नापुरवा का है। समाजसेवी राजवर्धन राजू शनिवार को दोपहर करीब 2 बजे लखनऊ रोड की ओर से अपने घर के लिए निकले। उनकी गाड़ी मन्नापुरवा के पास पहुंची कि उनकी नज़र भीड़ पर पड़ी। यहां भीड़ के बीच दो घायल व्यक्ति दर्द से तड़प रहे थे। राजवर्धन ने भीड़ देखकर अपनी गाड़ियां रुकवाई और तो मामला पता करा तो देखा दो लोग घायल अवस्था में पड़े हुए हैं। घायलों को तुरंत अपनी कार में ले जाकर जिला अस्पताल में भर्ती कराकर इलाज करवाया। घायलों से पूछताछ करने पर पता चला कि वो इमरपुरवा थाना सुरसा के रहने वाले हैं। काशीराम पुत्र वेदराम घर से किसी काम के लिए अपनी मोटरसाइकिल से निकले थे, अचानक किसी बड़े वाहन ने टक्कर मार दी जिससे वे बुरी तरह से घायल हो गए थे। मैं इशारा कर दिया तो देख लियो। ये चिड़िया पड़ी थी वहाँ पे झाले के पास में, तो हम आ रहे थे उससे पीएम हाउस से, तो बेचारा कोई ठोकर मार भाग के दोनों पड़े। हाँ दोनों पड़े। हमारा बेटा कहाँ निकल है? कहाँ रहने वाले तुम हो? हाँ उमरपुरवा कैसे किरण बोल रहा है? जाए कहाँ रहे थे? मेन बोन है वो लग रहा गई। हम तुम्हारे काम हो, ये तो जरूरी ब्लड तुम्हारी गाड़ी पूरी लगो है के लगा कर बहुत गाड़ी तो बहुत लगा इसे का करियो। ये हम एक्चुअली में आ रहे थे पीएम हाउस से, तो लखनऊ रोड पे जैसे ये नालागंज झाला के पहले जो पावर हाउस जहाँ पे है उसी के बाद पॉइंट ढावा है, तो वहाँ पे भीड़ लगी हुई थी। तो हमने देखा एक व्यक्ति जो सड़क उधर पड़ा हुआ था, एक इधर पड़ा हुआ था, काफी लोग भीड़। तो हमने गाड़ी रोकी, हमने पूछा क्या हो, कहने भैया एक्सीडेंट हो गया। तो उसका एक तो पैर बिल्कुल इंजर्ड था, हमने तुरंत उनको गाड़ी में लाद के ले आए हैं और भगवान से दुआ करते हैं कि लोग ठीक हों, स्वस्थ हो जाएं। बस